What's up? Welcome back to Seasons with Fana. And today I'm going to cook 2-minute brownie. 2-minute cup brownie. Yes, you heard it right. It's made only in 2 minutes. And I swear, just 2 minutes. Running away from cooking like me, आज हम बनाएंगे 2 मिनट में ब्राउनी. So पहले मैं ब्राउनी शुरू करने से पहले बता दूँ कि आप इस ब्राउनी को अपनी ब्राउनी बना सकते हैं. मतलब जो मैं इंग्रेडिएंट्स डालूँगी इसमें नट्स वगैरह, आप उसको फ्रूट से चेंज कर सकते हैं. So let's get started. तो इसके लिए यू नीड, एक ब्राउनी के लिए एक एग, हर्शेस सिरप, यू नीड कप नट, कोको पाउडर, मैदा, पाउडर्ड शुगर, सम ऑयल. सबसे पहले हम एग लेंगे और इसे अपने कप में ब्रेक करेंगे जिस कप में आप ब्राउनी बनाओगे. मैदा डालोगे, रिफाइंड फ्लोर है, 1 स्पून रिफाइंड फ्लोर डालोगे आप सारे कप्स में, जैसे मैं डाल रही हूँ. मिक्स नहीं करना अभी कुछ भी. अब आप 2 टेबलस्पून शुगर डालोगे सब में, 2 TSP. पाउडर डालेंगे सारे कप्स में. बहुत कम, 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस सब में, ताकि एग की स्मेल चली जाए. सब में 1 स्पून ऑयल डालेंगे. सबको मिक्स करेंगे. अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे. बहुत इजीली ये मिक्स हो जाएगा, मगर आप ध्यान रखिएगा कि इसमें चंक्स नहीं आने चाहिए. अगर इसमें चंक्स आएंगे तो ये स्पॉइल हो जाएगा, आपको फिर मुंह में भी चंक्स आएंगे, ऑमलेट जैसा टेस्ट आएगा आपको इसका. अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम. आपको मिक्स करने की ट्रिक सिखाऊंगी, इससे आपकी मिक्सिंग में लंप्स नहीं आएंगे. आप कप के आसपास अपना स्पून घुमाइए ऐसे गोल 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 गोल. इसको ऐसे मिक्स मत करिए, बस गोल गोल अपने कप के आसपास स्पून घुमाइए, कप के एजेस पे, कप के बीच में मत जाइए. इससे आपका ये बहुत ही अच्छा स्मूथ मिक्सचर बनेगा. अभी आपको दिखा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना टाइम नहीं लगता. ये देखिए, आप देख रहे हैं कैसे साइड साइड से उसका मिक्सचर मिल रहा है. कप के बीच में नहीं जाना, कप के आसपास ऐसे गोल गोल ना स्पून घुमाना है बस.
ऐसे ना ही कोई आपका इंग्रेडिएंट कप के साइड पे चिपकेगा और आपका सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। इसी सर्कुलर मोशन में करेंगे जिसमें मैंने आपको बताया, तो आप देखेंगे कि आपके इस मिक्सचर के ऊपर बबल्स बन रहे हैं। वो बबल्स क्यों बने हैं? क्योंकि आपने एग को इस वे में ऐसे ऐसे टर्न करा, तो एग में बबल्स एयर फंस जाती है, इसलिए हम एग डालते हैं अपनी चीज़ों में ताकि वो पफी बने, स्पॉन्जी बने। या तो हम केक में एग डालते हैं बेकिंग सोडा, तो आपने देखा कि मैंने इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला क्योंकि मैंने इसमें एग डाला है, और इस एग में मेरी एयर क्रैक हुई इसलिए इसमें बबल्स भी बन रहे हैं बहुत बड़े बड़े, जो अच्छी बात है, मेरे लिए एक अच्छा साइन है। Then we add your kishmish, it's also called raisins. I love raisins in my brownie. It makes it chewy, a little chewy, and it gives a little jelly sort of texture to it, and I just love it. Or I add walnut because it's healthy and good. Walnuts are very good for health, and I love walnuts. I love their bitterness. And now I'm gonna give it a last mix. Now I'll set the microwave for 2 minutes and we'll wait for the brownie to come out. And 2 minutes are over. Let's see how it is. So I just took the brownie out from the cup and this is how it looks. Ain't it pretty? Now I'll add some chocolate syrup over it. I love chocolate syrup, though I don't like chocolate, but I like chocolate syrup. And the last thing I will do is I will sprinkle some icing sugar over it. What a beauty it is, isn't it? It's beautiful than anything in the world. Because I made it maybe. Kidding. So that was the video and I hope you like it. And if you like it, don't forget to give it a thumbs up button. Don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to comment. And keep sharing the video. And my channel name is Seasons with Palak. Bye. Eat this.